देश में लगातार वैक्सीन की कमी को देखते हुए विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेर रही हैं और सरकार से सवाल पूछने पर लगी हैं। इस बीच सरकार की हो रही बदनामी को देखते हुए सत्ता पक्ष के नेता ने जिस तरह से बौखलाहट में आकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, उससे साफ पता चलता है कि सत्ता पक्ष सरकार की छवि को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने वैक्सीन की कमी की बातों को झुठलाते हुए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की, इससे ना सिर्फ कांग्रेस नेता बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मौजूदा समय के अंदर सत्ता किसी भी तरह से सरकार की छवि को बचाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि देश में बड़े स्तर पर वैक्सीन की कमी तो है ही, सरकार बड़े स्तर पर फेल भी हुई है, लेकिन इसका सारा ठीकरा विपक्षी पार्टियों पर फोड़ना चाहती है। वैसे आपको बता दें कि मौजूदा समय के अंदर देश की जनता को यह पता चल चुका है कि इतने वर्षों में सरकार ने क्या काम किया और किस तरह से देश को अंधकार में रखा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि वाकई में माहौल जो है वो पूरी तरह से अब खराब तो होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही देखने को ये भी मिल रहा है कि देश की जनता बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।